गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। इसका मीनिंग क्या होता है, नाम से ही समझेंगे। सबसे पहले ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल, तो जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, अब हॉस्पिटल में दो टाइप के पेशेंट आते हैं, एक तो ओपीडी वाले पेशेंट रहते हैं और एक आईपीडी। आईपीडी मतलब इन पेशेंट जो वहाँ पर एडमिटेड है। तो ये दोनों जो सिस्टम है उनको किस तरीके से मेडिसिन या ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है दो पार्ट में बना हुआ है, चैप्टर लेंथी है, इस वजह से आपको दोनों चैप्टर्स दोनों पार्ट्स को अच्छे से कवर करना है, ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, वो दो टाइप में का रहता है, ठीक है, आईपीडी और ओपीडी। द टू क्लास ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट। जैसे मैंने अभी बताया, ओपीडी मतलब आउट पेशेंट और आईपीडी मतलब इन पेशेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बिलोंग्स टू इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम जो रहता है वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट को लागू होता है। इसका ऑप्शन बी जो इन पेशेंट है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू आउट पेशेंट। तो इसमें चार्ज एंड नॉन चार्ज जो है, बोथ ए एंड बी जो है, वो इसमें डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच इज़ बिलोंग्स टू आउट पेशेंट, जैसे इमरजेंसी आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी आउट पेशेंट, जनरल आउट पेशेंट, रेफरल आउट पेशेंट, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसलिए ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ बेड साइड फार्मेसी इज, बेड साइड फार्मेसी जो है ये डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का एग्जाम्पल है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ एनवलप मेथड इज, एग्जाम्पल मतलब चार्ज फ्लोर स्टॉक जो सिस्टम होती है, जिसमें पैसे पे कर जो भी अमाउंट पे करनी पड़ती है, उसमें एग्जाम्पल एनवलप मेथड है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चार्ज एंड नॉन चार्ज पेशेंट मेडिकेशन कम्स अंडर विच, तो ये आता है द कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम जो है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चार्ज एंड नॉन चार्ज। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ इन पेशेंट डिस्पेंसिंग, ठीक है। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम जो है ना, ये इन पेशेंट डिपार्टमेंट का सिस्टम है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर अनेबल टू वॉक, ऐसे पेशेंट जो वॉक नहीं कर सकते हैं, जिनको उठाकर गाड़ी में डालना पड़ता है और एडमिट करना पड़ता है, ऐसे पेशेंट्स को हम एम्बुलेटरी पेशेंट कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ UDDS, इसका मतलब होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड बिलोंग्स टू नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक सिस्टम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू इज टाइप ऑफ इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग शुड बी लोकेटेड, जो आउट पेशेंट के लिए जो डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है, जो फार्मेसी होती है, वो कहाँ पर रहनी चाहिए, इन द ग्राउंड फ्लोर होनी चाहिए या फिर रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास होनी चाहिए, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट हु आर नॉट ऑक्यूपाइड स्पेस इन हॉस्पिटल, जो पेशेंट हॉस्पिटल में जिनको एडमिट नहीं किया जाता है, उन पेशेंट्स को आउट पेशेंट कहा जाता है। द पेशेंट हु ऑक्यूपाइड स्पेस इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज इन पेशेंट या आईपीडी भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The patient who require immediate medical attention after accident condition is called as emergency outpatient. Option D is the correct answer. The patient who is unable to work, take treatment and walk off is called as ambulatory outpatient. मतलब कि वो चल कर नहीं आ सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं और ट्रीटमेंट लेके वापस चले जाएंगे, तो इसको हम ambulatory outpatient भी कहते हैं। The patient who referred directly to OPD by he is attending
बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड एज रेफरल आउट पेशेंट। हमारे जो जनरल फिजिशियन रहते हैं, फैमिली फिजिशियन बोल सकते हैं या फैमिली डॉक्टर्स रहते हैं, उनके द्वारा जब हमको किसी और डॉक्टर को रेफर किया जाता है तो वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। दैट टाइप ऑफ पेशेंट इज नोन एज रेफरल आउट पेशेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द पेशेंट हु कम्स फॉर जनरल ट्रीटमेंट लाइक कोल्ड, कफ एंड फीवर इज कॉल्ड एज जनरल आउट पेशेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम यूज बिकॉज इट इज़ यूज इन स्मॉल हॉस्पिटल्स ड्यू टू लेस रेवेन्यू, लेस नंबर ऑफ स्टाफ, ऑल ऑफ द अबव। ऑल द फैक्ट्स आर करेक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, तो उसमें नन ऑफ दीज। कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इंक्रीजेस नहीं है, डिले इन ऑब्टेनिंग द मेडिसिन नहीं है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सारे जो पॉइंट अभी हमने पढ़े ना, और डिसएडवांटेज के पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इंक्रीज हो जाता है इस केस में, और डिले हो जाता है क्योंकि लेस स्टाफ है, और कॉस्ट ऑफ मेडिसिन भी हाई हो जाता है बिकॉज लेस वहाँ पर ये प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। तो आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसका चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं, और पार्ट टू भी इसका ज़रूर से देखें आप। थैंक यू।